कि ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भाजपा में थे, भाजपा में आकर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, मंत्री बने, पैसा कमाए और पैसा कमाकर जब उनको जाना था तो चले गए। आज फिर पैसा लेकर सपा अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं सके। ज्वाइनिंग कमेटी बनने के बाद आज बीजेपी ने 4 समाजवादी पार्टी के MLC को आज अपनी सदस्यता दिलाई और 4 लोगों में कई नाम इस वक्त हमारे साथ हैं। रविशंकर सिंह पप्पू जो कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। साथ साथ और जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है हम उनसे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप समाजवादी पार्टी से MLC हैं, क्यों आए आप? जी, ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। एक तो कारण ये था, और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार हुई। लेकिन पूर्वांचल में तो इस बार बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले को झेलना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से पूर्वांचल पर अपनी ताकत झोंक रखी है। आपको लगता नहीं है कि इस बार सपा के लिए पूर्वांचल नाक की भी लड़ाई है और ज़्यादा मजबूत भी है? ठीक है, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भाजपा में थे, भाजपा में आकर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, मंत्री बने, पैसा कमाए और पैसा कमाकर जब उनको जाना था तो चले गए। आज फिर पैसा लेकर सपा अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते, उनके बस का कुछ है नहीं। 10,000 वोट लेकर वो आज अगर गए हैं तो कितने विधानसभाओं में हैं? 7 से 8 विधानसभाओं में हैं, 7-8 विधानसभाओं में वो लड़ेंगे, क्या कर लेंगे? बीजेपी को तो नुकसान करेंगे, कमज़ोर करेंगे। बिल्कुल नहीं कमज़ोर कर पाएंगे, बिल्कुल कमज़ोर करने का सवाल ही नहीं पैदा होता कमज़ोर कर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को, आप जब ज्वाइन किए हैं तो आप आए होंगे तो बीजेपी ने कुछ कहा भी होगा, क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या दोबारा MLC का चुनाव लड़ेंगे क्या? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर भाजपा संगठन, भाजपा चाहेगी कि मुझे चुनाव लड़ाना तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो जो उसका दिशा निर्देश होगा उसका पालन करूँगा। दयाशंकर सिंह हैं हमारे साथ जो कि इस चुनाव कमेटी में भी हैं। आज पहले दिन ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी दिखाई नहीं दिए जबकि अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या है? नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को आज रहना था, उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो अचानक उनको जो है मेरठ जाना पड़ा और आगे आप देखेंगे प्रतिदिन रहेंगे वो, और आज भी रहना था उनको लेकिन उनकी पत्नी की अचानक। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि 10 लोग के आसपास लोग ज्वाइन करेंगे, कितनी सूची है, कितने लोग बीजेपी ज्वाइन कर? नहीं, 10 तो आप संख्या कम बता रहे हैं, हम लोगों के पास 100 की सूची है और प्रतिदिन यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अनुमति देंगे तो प्रतिदिन विधायक और MLC आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए देखेंगे। हम लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को 100 लोगों की सूची दिया है जिसमें बहुत वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान MLC हैं और पार्टी के बहुत सब वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं। जब ये लोग समय देते जाएंगे उनकी ज्वाइनिंग होती जाएगी। पूर्वांचल से हमको दोनों MLC दिखाई दे रहे हैं, ये बताइए कि पूर्वांचल आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और क्या लगता है कि आप सपा को तोड़ करके जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग किसी को तोड़ नहीं रहे हैं, ये माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मजबूत कर रहे हैं क्योंकि आज जो है देश की ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी। आप देखें आज मोदी जी, आज केवल अपने देश को, आज से 10 साल पहले देश कहाँ था, आज देश कहाँ पहुँच चुका है, आज वो पूरे दुनिया के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है। आज इस कोरोना के काल में भी आप देखें कि पहले की जो दिनों में एक पोलियो का जो टीका हम लोगों ने 25 साल बाद बना पाए जब पोलियो ख़त्म हो रहा था, आज पूरे दुनिया में आज मोदी जी ने दिखाया कि दो जो है आज टीका बना करके आज दुनिया में भारत को उन्होंने स्थापित करने का काम किया। संसाधन कम होते हुए भी आज भारत में कम कैजुअल्टी हुई, आज भारत के लोगों को सुरक्षित रखने का काम आज मोदी जी ने किया। लेकिन पूर्वांचल में आपको लग नहीं रहा कि पूर्वांचल आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है? पिछली बारी तो आप लोग जीते लेकिन इस बार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर आए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, रथ लेकर के निकल रहे हैं, उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, तीनों लोगों से सवाल हम यही कर रहे हैं कि क्या लगता नहीं कि बीजेपी को वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है? देखिए, आप लोगों ने जो है 2019 के चुनाव के पहले आप लोगों ने कहा था कि जहां दो ध्रुव माने जो पूर्व और पश्चिम, सपा और बसपा एक हो गए,
आप लोगों ने कहा था कि दोनों एक हो गए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहेगी। आपने देखा कि दोनों के एक होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 67 सीटें लोकसभा में जीती। और तो आप ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत तो हमने बढ़ाई, हमारे आने से पहले ओम प्रकाश जी खुद विधायक नहीं थे, उनके एक सदस्य कभी जीते नहीं थे, हमने उनको चार चार उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, तो मेरे ताकत से आए। तो आप हमारी ताकत को आप यदि उधर जोड़ ले रहे हैं तो अखिलेश जी कितने मजबूत हो जाएंगे। जब दोनों मायावती और अखिलेश जी मिलकर के मेरा कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद भी हम जीते, तो अब ये इन लोगों की कुछ नहीं। आप देखिएगा, आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी की सरकार है जो 2014 में जितनी बहुमत से जीती थी 2019 मुझसे ज़्यादा ताकत से जीती थी। तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आप जोगी जी की सरकार जो 2017 में 325 सीटें जीते थे, हम 350 के पार होंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये आप बताइए कि कितने लोग लाइन में हैं इस समय बीजेपी ज्वाइन करने? 100 कौन कौन बड़े नाम? 100 लोग हैं जिसमें सपा के विधायक हैं, सपा के वर्तमान विधायक हैं, बसपा के वर्तमान विधायक हैं, कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, और एक दो दिन के अंदर आपको पता चलेगा वो सभी लोग आपके सामने उनको रूबरू करूंगा। आप भी सपा से आए हैं, ये सीपी चंद जी आप भी सपा से आए हैं, ये बताइए कि गोरखपुर योगी जी का गढ़ भी है, आपके हिसाब से इस वक्त की क्या परिस्थितियां हैं, आप क्यों सपा से छोड़ करके आप बीजेपी आए? देखिए, आज जो प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उनके विकास कार्यों और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नीतियां हैं इसके प्रति लोगों की जो श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जा रहा है, और ये जो जनभावना है उस जनभावना का सम्मान करने के लिए हम लोग आए हैं, और इस तरक्की का जो पथ प्रशस्त किया है इन लोगों ने उसमें अपना सहयोग और अपना योगदान देने के लिए हम लोग आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश के लिए देश के भविष्य के निर्माण का ये रास्ता है। और कितना चैलेंज बड़ा मानते हैं आप समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ लड़ी? देखिए, पार्टी जो है वो आप उस पार्टी से पार्टी की ताकत तो जनता होती है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो कागजों में कोई पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है? जनता जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो दूसरी पार्टी कैसे मजबूत हो सकती है? आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जो निर्देश मिलेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग तो संघर्षों में और इस जो विकास का रास्ता है उसमें अपना सहयोग करने के लिए आए हैं, तो जो निर्देश मिलेगा वो करेंगे। तो हमारे साथ थे बीजेपी में आए समाजवादी पार्टी के 2 MLC और साथ साथ दयाशंकर सिंह। साफ तौर पर बीजेपी में अब दिनों दिन जो ज्वाइनिंग है वो दिखाई देगी, और जैसा कि कह रहे हैं कि 100 लोगों की लिस्ट बीजेपी के पास है जो आने वाले दिनों में पार्टी ज्वाइन करेंगे। कुमार अभिषेक, लखनऊ।